भी नहीं मिले प्रिंस। शहबाज को भी आने से रोका, पहले लोन देने का किया वादा, अब दे दिया धोखा। पाकिस्तान और बेइज्जती, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। जहां बेइज्जती होती है वहां पाकिस्तान का नाम होता है, और जहां पाकिस्तान जाता है वहां उसकी बेइज्जती अपने आप ही हो जाती है। तो पाकिस्तान की बेइज्जती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खबर ये है कि पाकिस्तान को सऊदी ने तगड़ा झटका दे दिया है। कंगाल पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि सऊदी अरब उसे भीख दे देगा, और पाकिस्तान ने इसका बकायदा ऐलान भी कर दिया था। कुछ दिन पहले से ही ये खबरें चल रही थी, लेकिन सऊदी ने अब बड़ा खेल कर दिया है। यहाँ तक कि शहबाज को आने से भी रोक दिया है। इससे पहले तुर्की में जब भूकंप आया था तब भी पाकिस्तान के साथ यही हुआ था, पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई थी। दरअसल तुर्की ने ये सोचते हुए कि पाकिस्तान आकर यहाँ क्या ही मदद करेगा, ऊपर से इस त्रासदी में हमारा वक्त ही जाया होगा, शहबाज शरीफ का दौरा ही रद्द कर दिया था। और अब वही सऊदी ने किया है, और सऊदी ने ये इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान लगातार सऊदी से लोन लेने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। तो चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री और शहबाज के भाई नवाज शरीफ दोनों उमरा करने के लिए सऊदी अरब जाने वाले थे, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने रमजान के महीने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उमरा करने के लिए प्रस्तावित यात्रा को कथित रूप से रद्द कर दिया है। यही नहीं, शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ से सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिलने से भी साफ इनकार कर दिया है। अब आपको बता दें कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज ही उमरा कर पाए, शहबाज को सऊदी अरब ने आने के लिए साफ मना कर दिया। वही बात ये थी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लोन देने का वादा किया था, लेकिन उसने अब पाकिस्तान के सामने सख्त शर्तें रख दी। वहीं अब पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अपना मुंह छिपाने के लिए कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने ये बताया है कि शहबाज शरीफ की यात्रा को सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव को देखते हुए रद्द किया गया है। इससे पहले शहबाज और उनके मंत्री सभी रियाद जाने वाले थे, लेकिन सऊदी अरब के शाही परिवार और शहबाज के बीच मुलाकात के लिए कोई बैठक तय नहीं होने से बाद में इस यात्रा को रद्द कर दिया गया। तो देखा आपने, एक बार फिर से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है, शहबाज का जो दौरा है उसे रद्द कर दिया गया है। इससे पहले तुर्की ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें शर्म नहीं आ रही थी और किस तरीके से वो दौरे के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत आने के लिए भी विदेश मंत्री और खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उत्सुक हो रहे हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान में इस बात की चर्चा चल रही है कि अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आते हैं तो वो द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे, यानी कि जिस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं उस कार्यक्रम के इतर भी चर्चा की जाएगी दोनों देशों के रिश्तों को लेकर।